तो हमारा एम ये है कि आपका जो ये डाउट है कि कितना डेप्थ है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो जो क्वेश्चन मार्क है वो बेसिकली आपका करंट अफेयर से हटने वाला है तो यहाँ पे वी विल बी कवरिंग बेसिकली ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर करंट अफेयर्स एंड इस पर्टिकुलर सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे आपके कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स से तो यहाँ पे आपको सारी इस सीरीज़ में कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगे इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डेली करंट अफेयर्स एंड साथ ही बताऊँगी कि कहाँ पे आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत है और कहाँ से क्वेश्चन बेसिकली रेज होंगे ठीक है तो एक, एक करके आज हम सारी कैटेगरीज को कवर करने वाले हैं सो टू प्रोसीड विथ यू हैव टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स और साथ ही आप वेबसाइट विजिट करके हमारा फ्री मेंबरशिप गेन कर सकते हैं जो अभी चल रहा है दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट गवर्नमेंट क्रैकर्स डॉट कॉम यहाँ पर अभी आपको फ्री मेंबरशिप मिल रही है तो ये आप गेन कर सकते हैं एंड साथ ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन जो है आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन्स मिलती रहें अगर आपको वीडियो नॉलेजबल लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ठीक है so, सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ कमिंग टू द नेशनल न्यूज़ तो आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ है दैट इज़ दैट पी एम मोदी ने सम्पर्ण दिवस जो है समर्पण दिवस इसे मनाया है क्यों मनाया है सो टू कॉन्ट्रीब्यूट पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाव ऐसा क्यों किया है वाई द डेट इज चूज इन इलेवेंथ फेब्ररी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन रीजन बीन बिकॉज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी है ठीक है एंड इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ समर्पण दिवस तो एक क्वेश्चन ये यहाँ पर आपका फिगर आउट हो जाता है कि समर्पण दिवस कब हम मनाते हैं और क्यों मनाते हैं ठीक है तो आपको डेट भी याद रखनी है एंड यू हैव टू रिमेंबर द रीज़न ऑल्सो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अगर मैं बात करूं तो ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जो कि को फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के एंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यह बीजेएस के फ्रॉम 1967 तो, 1968. तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे पूछा जाता पूछा जा सकता है हिस्ट्री में कि प्रेसिडेंट जो थे बीजेएस के 1967 से 68 में पंडित दीनदयाल के रेफरेंस में ये पूछा जा सकता है ठीक है और इनका विजन क्या रहा है अगर मैं बताऊँ तो इनका विजन हमेशा ये रहा है कि ये एक सेल्फ रिलायंट इंडिया को बिल्डअप करना चाहते थे नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर दिस नेशनल लेवल इज दैट देयर इज एन एनुअल कन्वेंशन ऑफ सोशल ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेश बिगिन स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात सो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बुलाते हैं ए तो आपको ए का फुल फॉर्म याद रखना है असोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया ना वॉट इज दिस ऑल अबाउट तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल जो है यू नो ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चरबिशन को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो, जो केवाड़िया uh, डिस्ट्रिक्ट में आपका गुजरात में है ये बेसिकली आपका एक थ्री डेज इवेंट होगा विच इज बीन सेलिब्रेटेड फ्रॉम फेब्री ट्वेल्व टू फेब फोर्टीन टू जिसका थीम रखा गया है डोमेस्टिक टूरिज्म होप फॉर रिवाइवल देखो अपना देश तो बेसिकली आफ्टर पेंडेमिक ये एक प्रमोट करने की कोशिश है अपना स्टेट uh, uh, अपना डिस्ट्रिक्ट जो ये प्रमोट करना चाह रहे हैं एंड दिस इज़ अ जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड ए डी टी ओ आई ठीक है सो so यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए डी टी ओ आई ये कौन से स्टेट में जो है ये ऑपरेशनल हुआ है इसका थीम इंपॉर्टेंट है तो थीम मैंने यहाँ पे थीम भी कवर कर लिया है एंड साथ ही कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है तो ये दिस इज कमिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तो आई होप यहाँ तक आपके क्वेश्चन क्लियर हैं एंड पॉइंट वाइज मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश की है नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन जिसका ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रॉबेबली uh, आपके 400 हंड्रेड डेलीगेट जो है वो ए डी टी ओ आई के मेंबर्स हैं अक्रॉस इंडिया जो इस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं ठीक है थेके? नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनागरेट्स जल अभिषेकम कैंपेन इन मध्य प्रदेश ना आपको नाम से यहाँ पे समझ आ रहा होगा जल अभिषेकम दैट इज इट इज़ सम रिलेटेड टू वाटर जल मीन्स वाटर ठीक है तो सम वॉट वाटर से अब रिलेटेड है ये अब कैसे इसके बारे में हम जान लेते हैं ये मैंने आपको याद करने की यहाँ पे ट्रिक बता दी ना इसमें हुआ क्या है जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है इसने लॉन्च किया है एक कंजर्वेशन कैंपेन जिसका नाम रखा गया है जल अभिषेकम बेसिकली कैंपेन हम कब चलाते हैं व्हेन वी वॉन्ट टू अवेयर पब्लिक अबाउट समथिंग तो कैंपेन मतलब कि कोई हम आ, एक जो है आ, अवेयर करने के तरीके ढूंढ रहे हैं बेसिकली टू द पब्लिक ऑडियंस या नियर बाय सोसाइटी को तो जल अभिषेकम इसका नाम दिया गया है जिसमें अराउंड आपका फिफ्टी फिफ्टी सेवन थाउजेंड वाटर स्ट्रक्चर जो है इनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और ये जो कैंपेन है ये इनोग्रेट हुआ है आपके यूनियन डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंटली जो कि अभी राजनाथ सिंह हैं थ्रू वर्चुअल मोड क्योंकि अभी पैंडमिक का सिचुएशन चल रहा है सो so, इस कैंपेन में क्या इंटेंशन क्या है अगर मैं कैंपेन का बोलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक्चुअली क्यों हो रहा है सो दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर फॉर एवरी फार्म एंड वर्क फॉर एवरी हैंड ठीक है एंड ये जो स्ट्रक्चर्स है इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है इनकी कॉस्ट आ रही है अराउंड टू थाउजेंड करोड़ जो इरिगेट करेंगे अराउंड टू पॉइंट फाइव जीरो लाख हेक्टेयर्स तो कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि प्रॉबर्ली कोई कैंपेन चल रहा है या कोई स्कीम अगर लॉन्च हो रही है सेंटर या स्टेट की तरफ से तो उसके पीछे की फंडिंग कितनी हुई है आपकी तो ये फंडिंग के नज़रिए से एंड उससे बेनिफिट कितना हो रहा है तो ये आप इंटरव्यू पर्पज से भी यूज कर सकते हैं एंड आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में भी आप इस तरह के फैक्ट्स को पुटअप कर सकते हैं जो आपके आज को बहुत बेटर बना देगा नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम देखिए कोई भी इवेंट जब फर्स्ट टाइम होता है तो उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस हो जाती है सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जब इसरो ने टेस्ट आउट किया है सैटेलाइट को और कौन सी सैटेलाइट को जो डेवलप हुई है थ्रू प्राइवेट सेक्टर अब ये प्राइवेट सेक्टर में इसका नाम एंटिटी का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, क्योंकि ये इवेंट फर्स्ट टाइम है तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है चाहे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे कोई इंटरव्यू हो तो इंडियन स्पेस रिचर्च स्टेशन जो आपका इसने ओपन किया है अपना यू आर राव सैटेलाइट

राव सैटेलाइट सेंटर और इसरो ने हेल्प किया है इन दोनों कंपनीज को टू फिक्स दैट फॉर सोलर पैनल ठीक है तो ये कोलेबोरेशन में काम कर रहे हैं ये दोनों जो कंपनी है इनके टेस्टिंग इंजिन कहाँ पे है आपके श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट में जो कि आपका तिरुवनंथापुरम है ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स पे इंटरनेशनल न्यूज आज की क्या है सो पाकिस्तान आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है सरफेस टू एयर बाबर बाबर क्रूज क्रूज मिसाइल मिसाइल सो पहले पहले भी भी मिसाइल्स मिसाइल्स लॉन्च हैं नाउ दिस इज के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे नाउ पाकिस्तान आर्मी ने रिसेंटली जो है टेस्ट फायर किया है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल तो आपको ये कैटेगरी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिसाइल है बाबर क्रूज मिसाइल ये आपकी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है अब यहां पे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वॉट इज डिफरेंस बिटवीन अ क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल ये बहुत पेट क्वेश्चन है जब हम मिसाइल के कंटेक्सट में बात करते हैं तो आप इसको जरूर मुझे आंसर करके बताइएगा ये आपके रिवीजन के लिए है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स में मुझे डिफरेंस बताइए और आप इनके एक एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं Uh, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे तो यहाँ पे क्रूज़ मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो क्रूज मिसाइल को जो लॉन्च किया गया था दैट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल ठीक है तो अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद करनी कि कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई थी और कौन से व्हीकल से ये लॉन्च की गई थी इस मिसाइल की अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें सो इट कैन हिट लैंड एंड सी टारगेट्स विथ हाई प्रिसीजन ऑफ अप टू फोर फिफ्टी किलोमीटर्स सो ये इसकी रेंज आपको यहाँ पर पता चल गई इससे पहले भी पाकिस्तान ने जो है सक्सेसफुली कंडक्ट करा था टेस्ट फॉर सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल और उसका नाम था आपका शाहीन थ्री जो कि जनवरी टू में हुआ था फॉलोड बाई ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी इन फरवरी 2021. थाउजेंड so, सो ये आपको याद रखना है पाकिस्तान की तरफ से जो टेस्टिंग हुई है मिसाइल्स की तो आपका एक शाहीन हो गया थ्री एक आपका गजनवी हो गया और नाव अब बाबर आ गया ठीक है तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं नेक्स्ट कमिंग टू द लोन्स एंड एग्रीमेंट सेक्शन वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली साइन किया है अराउंड हंड्रेड मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट टू सपोर्ट न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ अगेन जहाँ पे ऐसे आपके इंटरनेशनल लेवल के बॉडीज आ जाते हैं दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सो क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आ गया है तो अगेन ये करंट अफेयर्स बहुत चांसेस हैं कि कि किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या इंटरव्यू क्वेश्चन में डेफ़िनेटली पूछा जा सकता है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रपरेशन कर रहे हो सो सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली छत्तीसगढ़ के लिए साइन किया है एग्रीमेंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैंने आपको बता दी दैट इज अराउंड हंड्रेड मिलियन डॉलर किसके साथ साइन किया है तो ये साइन किया है आपका वर्ल्ड बैंक के साथ अब प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट का नाम है आपका चिराग चिराग का फुल फॉर्म क्या है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ तो ये आपको नाम और इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि चिराग का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है और चिराग का एम क्या है तो एम है इसका सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ विच इज़ गोइंग टू अलाउ आनकरेज ट्राइबल हाउस होल्ड इन रिमोट एरियाज किस लिए ताकि जो डाइवर्सिफाइड न्यूट्रिश फूड राउंड द ईयर प्रोड्यूस कर सकें ठीक है और इससे क्या होगा इससे होगा जो अराउंड थाउजेंड विलेजेस हैं आपके एट डिस्ट्रिक्ट्स में इनको बेनिफिट होने वाला है इस प्रोजेक्ट से सो so, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो आपको देखना है कि इसमें कंट्रीब्यूटिंग एजेंसीज़ कौन सी हैं कितना फंड इसमें लगा हुआ है एम क्या है और बेनिफिट क्या हो रहा है तो ये चार फैक्टर्स हमेशा आपको देखने होते हैं जिनसे क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस होते हैं चाहे आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में जाएँ या आप ऑब्जेक्टिव आंसर्स में जाएँ ठीक है नेक्स्ट आते हैं अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एगजिम बैंक ये प्रोवाइड कर रही है अराउंड 400 मिलियन यूएस डॉलर फंडिंग क्यों ताकि ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मालदीव्स में स्टैब्बलिश कर सके ना व्हाट इज ग्रेटर माले कनेक्टिविटी सो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म पहले तो आप इसको ध्यान रखिए इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अराउंड फोर मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट है जो मालदीव्स को थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट एल ओ सी टू फंड ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ये जो एग्रीमेंट हुआ है आपका ये ट्वेंटी एट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से इफेक्टिव होगा कनेक्टिविटी uh, की बात करूँ अगर एरिया की सो so एरिया आपका है अराउंड सिक्स पॉइंट सेवन किलोमीटर्स दैट विल बी द लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स ठीक है और ये कनेक्ट करेगा कौन कौन से आईलैंड को तो आइलैंड आपको ध्यान रखने हैं वो आइलैंड है आपके विलेंगली गुल्हीफाव एंड थिलाफोसी ठीक है तो ये आपके आईलैंड है जिनकी कनेक्टिविटी होने वाले ये यहां पे पिक्चर है पिक्चर में आप इस एरिया को देख सकते हैं ये आपका ग्रेटर मालीवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ठीक है आगे बढ़ते हैं ज्वेल ओराम लॉन्चेस बुक एंड ऑथर टर्न अराउंड इंडिया ट्वेंटी सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी रिटर्न बाय गुप्ता, सो so, ये बुक्स एंड ऑथर्स के सेक्शन में है आपका सो टाइटल मैंने आपको बुक का ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इसे लॉन्च किया है जुअल ओराम जो कि पार्लियामेंटेरियन है एंड चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के फेब्रवरी टू 2021 में लॉन्च हुआ है बाय आर पी गुप्ता और पब्लिशिंग जो अथॉरिटी है दैट इज़ हिमालय पब्लिशिंग हाउस तो अगेन ये बुक्स एंड ऑथर से हमेशा एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं पेट क्वेश्चंस रहे हैं ठीक है स्पेशली जब वो इंडियन ऑथर्स की बात आती है और ये बुक जो है ये बेसिकली आपका इकनॉमिक अवेयरनेस के लिए है बिकॉज ऑलरेडी पैंडमिक की वजह से इकोनॉमी पर जो है चाहे वो इंडिया हो या पूरा वर्ल्ड हो इकॉनॉमी पर कहीं ना कहीं कंसर्न आपका बहुत ज़्यादा है तो so ये आपका इकॉनॉमी पर फोकस ये बुक है ठीक है अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज़ की तो डेज़ में आज है थर्टीन फेबररी ना थर्टीन फेबररी को आपका दो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वर्ल्ड रेडियो डे जैसे एवरी थर्टीन फेबररी को सेलिब्रेट किया जाता है क्यों बिकज़ रेडियो का जो रिकग्निशन है विच इज़ अ पावरफुल मीडियम जो सबको एक साथ लेके आता है दैट इज़ वाई जो पी एम हमारे यूज करते हैं ही ऑल्सो यूज़ रेडियो कम्युनिकेशन जो मन की बात होती है वो थ्रू रेडियो मोड ही होती है ठीक है सो so, कहीं ना कहीं इसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ाने के लिए या इसकी इम्पॉर्टेंस लोगों को समझाने के लिए अगेन ये कैंपेन जो है थ्रू पी एम ये कॉन्टिन्यूशन में है और इस डे को प्रोक्लेम किया गया था टू थाउजेंड एलेवन में ही बाई मम्बर ऑफ स्टेट्स ऑफ यूनेस्को ने एंड वॉज अडोप्टेड बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन टू थाउजेंड ट्वेल्व और इस बार जो रेडियो दे का थीम है तो कभी भी कोई भी डे होता है उनके थीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सो थीम है न्यू वर्ल्ड एंड न्यू रेडियो एंड इसके थीम्स के फर्दर सब डिविजन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिकॉज एट टाइम्स आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता है सो so, आप इसे ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं एम समझ सकते हैं थीम क्या है थीम है आपका एवोल्यूशन इनोवेशन एंड कनेक्शन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे जो थर्टीन फेब के लिए रिकगनाइज करता है दैट इज नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया नाउ इट इज़ ऑब्जर्व ऑन थर्टीन फेबररी वाई डू वी ऑब्जर्व इट अगेन टू कमोरेट अ वेरी फेमस बर्थ एनिवर्सरी दैट इज फॉर सरोजिनी नायडू विच इज़ ऑल्सो नोन एज नाइटिंगल ऑफ इंडिया ना शी वॉज बॉर्न ऑन थर्टीन Feb 1879, सेवेंटी नाइन एंड नायडू इज रिकगनाइज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स इक्वल राइट right. अब आपको मुझे बताना है कि सरोजनी नायडू के और क्या क्या रिकगनेशन हैं स्पेशली रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया के फील्ड में और क्या क्या रिकग्नेशन है जो आपको पता है ठीक है वो आपको मुझे बताना है अपार्ट फ्रॉम बी यू नो द नाइट एंगल ऑफ इंडिया एंड द पोएट में जो उन्होंने पोएम्स एंड लिरिक्स के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं उसके अलावा फ्रीडम ऑफ इंडिया में उनका जो रोल रहा है वो क्या था वो आपको मुझे बताना है सो दिस वॉज ऑल फॉर द करंट अफेयर्स पार्ट्स टूडे सो दिस फॉर दिस सीरीज़ प्रॉब्बली यू विल बी गेटिंग एवरी डे जहाँ पर हम आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे सो so हमारा एम होगा जो करंट अफेयर्स से लोगों का फियर uh, होता है एग्जामिनेशन को ले कर सो यहाँ पर करंट अफेयर्स आपकी बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में कम्प्लीट हो जाएगी एंड विल ट्राई कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको करंट अफेयर्स भी बहुत ईजी लगने लगेगी ठीक है सो आल सी यून द नेक्स्ट सेशन टिल देन जय हिंद एंड